कराची से सात सात प्लेयर पाकिस्तान टीम में होते थे, अंडर 19 लेवल पे होते थे, अब केबीके से प्लेयर ज्यादा आ रहे हैं। मायूसी तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि शुएब मलिक, अहमद अकबर, जितने हमारे दो चार प्लेयर थे सारे हमारे साथ ही खेले हुए हैं। लैगिंग तो सैगिंग भी होती है और वो कुछ जातियां भी होती है प्लेयर के साथ, मगर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जहाँ उनको मौका मिले वो शायद अवेल नहीं कर पाते, तो इसलिए नीचे आए उनका ग्राफ। अस्सलाम वालेकुम। 14 साल की उम्र में जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बावजूद 13,000 के करीब डोमेस्टिक रन करने के बावजूद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की शान हसन अजाज साहब, हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 14 साल की उम्र में यानी पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना एक ख्वाब होता है किसी भी बच्चे का, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उस वक्त क्या ताकत है, कुछ याद आ रहा था आपसे? यार याद तो यादें तो बहुत सारी हैं, और 14 साल की उम्र में आपको पता है जब प्लेयर खेलता है तो उसका एक ख्वाब होता है जिंदगी में, तो ख्वाब यही था कि अंडर 15 वर्ल्ड कप 11 था, तो उसके लिए मेहनत करी काफी इसी शहर से कराची से। हमने बड़ा आगाज किया क्रिकेट का अपना, और ग्राउंड नहीं देते सारे फैसिलिटेट चीजें नहीं की थी जबरदस्त किस्म की जो होनी चाहिए थी, मगर रोडो पे खेलते रहे, स्क्रीन क्रिकेट में खेलते रहे, और खेलते खेलते अंडर 15 वर्ल्ड कप आया, उसने परफॉर्म किया, फिर लाहौर में गए सिलेक्ट हुए, फिर अंडर 15 वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स में खेले जाके 18 रन किए अगेंस्ट इंडिया के, सैयद अब्बास साहब थे उन्होंने वहां से पिक किया, फिर अंडर 14 में मैंने जो है रीजन्स में 7 जोन कराची के होते हैं जहां से मैंने क्रिकेट का आगाज किया, और जोन 1 से मैंने जो है वो 4 सेंचुरी बनाई 15 साल की उम्र में, फिर मेरा नाम अंडर 15 में आया, फिर अंडर 19 में आया, फिर साइड मैच मिला साहिवाल में, तो वहां से क्रिकेट का आगाज हुआ, और पहली तालीम भी मैंने कराची से ली, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पर, वो खेली कासिम उस्मानी साहब, सिराज इस्लाम बुखारी साहब, और ऐसे ऐसे लोग थे हमारे यहाँ पर कराची में जिन्होंने बड़ा मोटिवेशन दी, बड़ी क्रिकेट को एक सराहा, और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो एक क्रिकेट में अपना रोल अदा किया है, और कोई भी प्लेयर यंग होता था उसको फॉलो करते थे, उसको कहते थे कि लाओ मौका दो चांस दो, तो वहां से हम भी खेलते खेलते कूदते निकल गए, और अल्लाह मैंने पाकिस्तान टीम में दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा दिया, जहां संभावी के खिलाफ मेरा जो है 26 अक्टूबर को मेरे ख्याल में डेब्यू हुआ फैसलाबाद में, और वहां पर भी मैंने परफॉर्म किया, और आमिर सुहेल भाई और वसीम अकरम जैसे और बड़े सलीम मलिक जैसे प्लेयर बड़े बड़े लेजेंड थे उस टाइम पे टीम में। हसन भाई आपने 44 सेंचुरी किया पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इतना मतलब इतने रन करने के बावजूद आप सिर्फ और सिर्फ 22 मैचेस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, इतना सब खेलने के बावजूद इतने कम जो है मौका मिलना, ये मायूसी होती थोड़ी सी? मायूसी तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि शुएब मलिक, अहमद अकबर, जितने हमारे दो चार प्लेयर थे सारे हमारे साथ ही खेले हैं, और सारे तकरीबन अच्छे प्लेयर थे, प्लेयर तो सारे अच्छे होते हैं, मगर डिपेंड करता है कि चांसेस कितने मिल रहे हैं इसको, और क्या सिचुएशन, इसकी फॉर्म कैसी लगी हुई है, कौन सी बड़ी टीम आ रही है, कौन सी नॉर्मल टीम आ रही है, ये भी लक की बात होती है, और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में 8,000 टीमों में 5-5 वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे, बॉलर होते थे, बैट्समैन होते थे, अब तो T20 फॉर्म बढ़ा गया बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से प्लेयरों को चांस मिलता रहता, तो हमें 4-4 साल बाद डोमेस्टिक में परफॉर्म करके चांस मिलता था, मिसबाह को, मुझे और दीगर प्लेयर थे, तो उसकी वजह से चांसेस जितने भी मिले अवेल किए, और बाकी लक की बात थी, एक वाइस कोच थे बाउल में जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और वही जो है प्लेयरों को लेके आए, उनके कमजोर में पाकिस्तान के 3-4 साल जो है बड़ी इंप्रूव करी थी, और डे बाय डे प्लेयर जो है बड़े प्रोड्यूस हो रहे थे, और मेरे ख्याल में फ्यूचर में आगे भी होना चाहिए, और न सिर्फ PSL बल्कि 50 का प्लेटफॉर्म ज्यादा होना चाहिए ताकि प्लेयर्स हैं वो लंबा क्रिकेट खेले और टेम्परमेंट डेवलप हो उनका। आपने इतनी क्रिकेट खेली है, लेकिन आप देखिए हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में उन प्लेयर को नवाजा जाता है जो उनके बहुत करीब होते हैं, आप जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने इतने रन किए, आप लोग इतने मौके या कोचिंग के ले लें या किसी और डिपार्टमेंट के ले लें, उस तरह आप लोगों को वो नहीं किया जाता, तो क्या वजह समझते हैं, क्यों हो रहा है सर? बस लैगिंग तो सैगिंग भी होती है, और पहले तो ये है कि कराची से सात सात प्लेयर पाकिस्तान टीम में होते थे, अंडर 19 लेवल पे होते थे, अब केबीके से प्लेयर ज्यादा आ रहे हैं, फिर लाहौर में देखें आप अगर तो लाहौर में भी जो है वहाँ पर प्लेयर होते हैं, बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, वहां से भी प्लेयर आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में प्लेयर की परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर परफॉर्मेंस दे तो कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए खेलना जो है एक 24 करोड़ की आम में ख्वाब होता है एक प्लेयर का, तो कुछ जातियां भी होती है प्लेयर के साथ, मगर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जहां उनको मौका मिले वो शायद अवेल नहीं कर पाते, तो इसलिए नीचे आए उनका ग्राफ। आजकल चैंपियन कप जा रही है, तो उसका जो मोटो बताया गया था कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे लेकर आना, ठीक है, तो हम आजकल देख रहे हैं पूरी टीम में ऐसा कोई भी नौजवान खिलाड़ी नहीं है, वही पुराने मुंह उठा के सब आ रहे हैं, वही क्रिकेट खेल रहे बस, अभी बांग्लादेश आई थी 2 टेस्ट मैच आ रहे हैं, क्रिकेट का ग्राफ जो काफी नीचे लगे पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्रिकेटिंग लोग आने चाहिए, और स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो आनी चाहिए, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसमें टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा 2-3 साल लगेंगे कि एक अच्छे बॉलर T20 के अलग, 50 ओवर के अलग, टेस्ट क्रिकेट के अलग जो है फॉर्मेट को लेके आए ताकि उनको इम्प्रूव करें। ये तबाही का जिम्मेदार कौन है आप समझते हैं? कोई भी नहीं है, बस एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो अच्छे काम करें क्रिकेटर उनको लेके आना चाहिए,
और हम जैसे लोगों को लेके जाएंगे, ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड में जाके देखते हैं क्या इवेंट ला रहे हैं अपनी इस्लामाबाद में, और प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं, कोशिश करते हैं जैसे हम खेलते हुए ऐसे अगले को भी मौका मिले। तो मेरे ख्याल में यही है कि जितने क्रिकेटर फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं करंट, जो आगे क्रिकेट खिला सकते हैं, प्लेयरों को, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको पीसीबी लेके आए और उनसे काम ले। बहुत बहुत शुक्रिया हसन सर आपका, थैंक यू सो मच।